नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 मई गुरुवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सीकर की पिपराली पंचायत समिति के विकास अधिकारी विजय प्रकाश शर्मा की समझाइश पर दौलतपुरा ग्राम के माता दीन योगी ने 21 मई को होने वाली अपने बेटे की शादी स्थगित कर दी है। सहायक विकास अधिकारी पूरनमल मेघवाल व रतन लाल गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी किशोर आदि ने माता दीन योगी को कोरोना के तेजी के बारे में बताया। इस पर माता दीन ने बेटे की शादी स्थगित कर दी है। प्रशासन ने उन्हें प्रशंसा पत्र दिया है। दौसा जिले में अब शादी समारोह आदि कार्यक्रमों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जिले में पिछले 2 दिनों में 4 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद शादी समारोह के आयोजक सख्ते में आ गए हैं। एक जगह तो पूरे गांव को शादी समारोह में भोजन की तैयारी थी, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर भोजन नष्ट करवा दिया। यहाँ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। राजस्थान में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद राजस्थान सरकार ने इसके लिए फंड का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। सरकार विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम MLA फंड का बजट वैक्सीनेशन के लिए उपयोग करने की तैयारी में है। हर विधायक के फंड से 3 करोड़ रुपए लिए जाएंगे। कोरोना का उपचार कर रहे निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन, दवा की वास्तविक आवश्यकता, आपूर्ति और उपचार की तय सरकारी दरों पर इलाज करना होगा। इसके अलावा 1 मई से प्रारंभ हुई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में कोविड के मरीजों का इलाज भी शामिल किया गया है। योजना में शामिल अस्पताल कोविड अस्पताल होने पर इससे इनकार नहीं कर सकता। पहले से भर्ती मरीजों का इलाज जारी रहेगा। बीकानेर जिले में 45 प्लस लोगों के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। गुरुवार को वैक्सीन आई तो शुक्रवार को लगाई जा सकेगी। उधर 18 प्लस युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह बना हुआ है। जिले में 34 केंद्रों पर 18 प्लस के 6,083 युवाओं ने कोरोना के टीके लगवाए। जिले में कुछ केंद्रों पर कम लोग टीका लगवाने पहुँचे। खाजूवाला 200 में से 155, पूगल में 110, कोलायत में 168, बज्जू में 94 और मोमासर में 126 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई। कोरोना महामारी में कुछ निजी अस्पताल तो सब हदें पार करने लगे हैं। अलवर के टपुकड़ा में एक निजी अस्पताल में रेमडेसिविर बताकर दूसरे ही इंजेक्शन लगा दिए, फिर भी एक इंजेक्शन के 15,000 रुपये वसूले। यही नहीं, एक दिन में बेड के 30,000 रुपये वसूलने का मामला प्रशासन के सामने आया। वहीं अधिकारियों ने मौके पर जाँच करने के बावजूद अभी कोई कार्यवाही नहीं की है। कोरोना की वक्र दृष्टि के चलते खुशियों के सबसे बड़ा सावा इस बार सुना रहेगा। जिस आखा तीज पर हर साल हजारों शादियां होती थी, इस बार तीनों SDM के ऑफिस में सिर्फ 100 शादियों के लिए आवेदन आए हैं। आखा तीज 14 मई को है। विवाह आदि मांगलिक कार्यों के लिए आखा तीज सबसे बड़ा अभूत सावा माना जाता है। कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर के चलते और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील पर लोगों ने खुद ही शादियों को टालने का फैसला किया है। कोरोना महामारी में दिल्ली के अस्पतालों में बिगड़ते हालातों और ऑक्सीजन की कमी के चलते केजरीवाल सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि होम आइसोलेशन में कोरोना के जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वे सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वैलिड फोटो ID, आधार कार्ड की डिटेल्स और कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट देनी होगी। CBSE ने कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए अगले सत्र से एग्जाम पैटर्न में बड़े बदलाव किए हैं। इनमें कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन शामिल होंगे। एक लाइन में इसका सीधा मतलब है, एग्जाम में स्टूडेंट से रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कक्षा 9 व 10 में 30% और कक्षा 11 व 12 में 20% सवाल इससे जुड़े होंगे। स्टूडेंट्स के सामने आम जिंदगी से जुड़ी सिचुएशन दी जाएगी और ये सवाल किसी भी विषय से हो सकते हैं। कोरोना काल की नकारात्मकता के बीच राहत की खबर है। अब रोगियों को घर से अस्पताल लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी। राज्य सरकार ने इनकी प्रति किलोमीटर के हिसाब से दरें तय कर दी है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि एम्बुलेंस को सामाजिक वाहन सेवा मानते हुए दरें तय करने का फैसला किया है। पहले 10 किलोमीटर तक वे 500 रुपये से अधिक किराया नहीं वसूल सकेंगे। कोरोना का डर कह लें या मुख्यमंत्री व स्थानीय प्रशासन की अपील का असर, पाली जिले सहित प्रदेश भर में लोग अपने स्तर पर फिलहाल शादियां स्थगित करने में लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि शादी एक खुशी का कार्यक्रम होता है। नई गाइडलाइन में महज 13 जनों को बुलाने की अनुमति दी जा रही है, जबकि इससे ज़्यादा तो परिवार में लोग होते हैं, उनकी उपस्थिति के बिना शादी कैसी। इसलिए स्थितियाँ सामान्य होने के बाद ही धूमधाम से शादी करेंगे, जिससे खुद भी कोरोना से बच कर रहेंगे।
राजस्थान में कोरोना का तांडव जारी है, पूरा प्रदेश लॉकडाउन में है। इसके बावजूद रणथंभौर नेशनल पार्क में फिल्मों की शूटिंग जारी है, वो भी तब जब रणथंभौर में 7 में से 5 रेंज के प्रभारी समेत 30% स्टाफ पॉजिटिव है और एक कर्मचारी की मौत भी हो चुकी है। यही नहीं, हैदराबाद में तो शेरों में भी कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्क में बाघों में कोरोना फैला तो किसकी जिम्मेदारी होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।